हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? अनूप सेमवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमारी यात्रा होने वाली है देहरादून टू उखीमठ। अभी हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और 7:45 बज चुकी है। और ये सामने देखोगे नीचे गंगा नदी है। आगे भी आपको वीडियो में हम खूबसूरत चीज़ें दिखाएंगे, बहुत बड़े बड़े चीज़ें दिखाएंगे आपको, बढ़िया सी बढ़िया जगह दिखाएंगे आपको वीडियो में। आप वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम निकलते हैं अब केदारनाथ की तरफ और उखीमठ जाएंगे हम अपने गांव। आप वीडियो देखें, आगे आपको दिखाते हैं हम वीडियो में पूरे रास्ते की लोकेशन दिखाएंगे। चलो चलते हैं हम। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गूलर के पास में और यहाँ पे एक सुंदर सा प्रकृति का नज़ारा दिख रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, अभी हम तोता घाटी में पहुंच चुके हैं और अभी हम चाय पी रहे हैं तत्काल ढाबे में। आप वीडियो में बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला वीडियो में। यह है मेरे पीछे तत्काल ढाबा। हमारी गर्मा गर्म चाय आ गई है फैन के साथ। काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। हम अभी पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। अभी हम पहुंच चुके हैं कीर्ति नगर। अब इसके बाद हम जाएंगे श्रीनगर की ओर। अभी हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये सामने देखें आप, श्रीनगर है, सुंदर सा दृश्य। ये है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों, हम अभी धारी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। ये पीछे देख रहे होंगे आप, धारी देवी का मंदिर है। नदी के ऊपर है ये मंदिर बना हुआ। आप देखें धारी माँ का सुंदर दृश्य। सामने आप देख रहे हैं माँ धारी देवी। कलसुर की धारी माँ भगवती तू दैणी विजयी, कलशील की काली माँ भगवती तू दैणी विजयी। आप माँ धारी देवी का इस समय दर्शन कर रहे हैं। प्रकृति का सुंदर सा नज़ारा, अद्भुत नज़ारा
आप देख पा रहे हैं यहाँ से। ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जा रहा है माँ धारी देवी के लिए, और यहाँ से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं माँ धारी देवी, अद्भुत दृश्य। सा जाम, और जाम ऐसे हुआ कि जो रॉन्ग साइड से गाड़ी आई और इस कारण से यहाँ पर जाम लग गया। अनुप शिमाल ब्लॉगर वहाँ पीछे हमारे साथ, ये हो लग गया था जाम। तो यहाँ पर बाबा जाम में फंस गए थे। बाबा जाम में फंस गए थे आप? हाँ। खुल गया जाम? हाँ। ठीक रहा? खुल गया। दिक्कत ही गाड़ी। जा रहे हैं अपने घर की तरफ, जो हमारा गांव है, तो हम अपने गांव में पहुंचने वाले हैं। हमारे गांव का नाम है गिरिया पिलौंजी। हम वडोदरा धार, और वडोदरा धार से लगभग 2-3 किलोमीटर पर, और अब आगे अंतरगट्टी है, बस अंतरगट्टी। एक टाइम पर लोग अंतरगट्टी जाने में डरते थे, लेकिन आज के टाइम में अब अंतरगट्टी उजाला हो चुका है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं, पिलौंजी उखीमठ।
उखीमठ से 5 किलोमीटर पर है हमारा घर पिलोंजी। अभी अभी हम पहुँचे हैं, चढ़ाई चढ़ के आए हैं, सांस फूल गई है। अभी मंदिर है यहाँ पे एक रास्ते में, यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, फिर घर जाएंगे। और पानी है, अब व्यवस्था करते हैं पानी की शाम के लिए। और पहले तो हम कपड़े सुखाएंगे, शाम को सोने का बंदोबस्त करेंगे, उसके बाद हम पानी के लिए चलते हैं, कहीं पानी मिल जाए, स्रोत मिल जाए कहीं पानी का, क्योंकि खाना आए हैं तो खाना तो बनाना पड़ेगा। तो खाने की तैयारियां करते हैं, क्योंकि 4 बज चुकी है, 5 बजे रात पड़ जाएगी, तो हमें तैयारियां भी करने हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद आपका।